नमस्कार, आप लोग को हम समझा दिए हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म 1 नवंबर से पहले भरा जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, शनिवार को बिहार पुलिस आयोग ने हलफनामा जमा कर दिया कोर्ट में कि हम यथाशीघ्र लड़कों से फॉर्म भरवाएंगे। जब हमारी बात दीनू बाबू से हुई, आज से 2 दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था जो लड़का केस किया था उसके साथ। आप धैर्य रखिए, बिहार पुलिस का फॉर्म निश्चित भराएगा, क्योंकि जब हलफनामा दे दिया हो शनिवार को कोर्ट बंद था तब पर भी कोर्ट में जमा किया, रिसीव कराया। इसलिए आप लोग कमेंट से आप फोन न करें बिहार पुलिस पर। अगर यह सप्ताह नहीं निकलता है तो अगले सप्ताह कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हलफनामा दे दिया कि हम फॉर्म भराने जा रहे हैं, तो कभी भी बिहार पुलिस आयोग फॉर्म भरवा सकता है, पोर्टल अपना खोल सकता है। इसलिए धैर्य रखें आप लोग, बिहार पुलिस के छात्र हैं, उतावला होना स्वाभाविक है, लेकिन गंभीर रहिए। शुरू से ही हम बिहार पुलिस के विषय में आपको बोलते आ रहे हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म भराएगा, आपकी जीत होगी। या जीत हुआ, मैं स्पष्ट रूप से वकील साहब से बात किया था, इसके साथ साथ जो लड़का केस किया था उसको भी लाया था, और देखे होंगे पिछला वीडियो में, जब उस लड़के से आपको कहवा दिए जो केस लड़ा था, से कहा हम खुद प्रेजेंट थे, 3 मिलकर वीडियो बनाए, फिर आप रोज का कमेंट करते भी आप उसका फॉर्म भराएगा, अरे भराएगा ना, अपना आप काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, दौड़ कीजिए, जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को पूरा कीजिए, फॉर्म भराएगा। विश्वास रखिए ना, आदमी कोई वीडियो बनाता है, कोई बोलता है, जब तक ऑथेंटिक नहीं रहता तब तक कोई बात नहीं बोलता, ध्यान रखिएगा। शाम में भी यूट्यूब पर हम लाइव आ रहे हैं, आप आइए ना, आपसे डायरेक्ट बातचीत होगी मेरी। 4:30 बजे BRSSC कैसे तैयारी किया जाए उस पर हम लाइव होंगे। फॉर्म निश्चित रूप से आएगा इस सप्ताह में या अगला सप्ताह, यानी 1 नवंबर डेट से पहले फॉर्म भरवा लेगा। अगला डेट कोर्ट में कब है? 1 नवंबर, उससे पहले फॉर्म भरा कर कम्प्लीट कर देगा, क्योंकि 1 नवंबर को उसको जवाब देना है, किसको? कोर्ट को। अब हलफनामा दे ही दिया तो धैर्य, अवतावला किस बात की, धैर्य रखिए भाई साहब, धैर्य रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।